हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के अभयारण्य, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित है मध्य प्रदेश में, उनको डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में अभयारण्य की सूची दी रखी है, लिख रखी है, उसको हम देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हमने नेशनल पार्क से रिलेटेड उनकी विशेषताएं और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। एमपीपीएससी की सिलेबस के अनुसार, एमपीपीएससी प्री 2020-21 के सिलेबस के अनुसार हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्री में आपको बहुत काम आएगा ये लेक्चर, तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हमने यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 डिस्कस कर लिए हैं, तो उनको भी जाके देखना है फ्रेंड। और एमपीपीएससी प्री से, जो मध्य प्रदेश के भूगोल से आने वाले सवालों को आसानी से हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 31 अभयारण्य है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 31 अभयारण्य है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्र 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है। 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्र। याद रखना, ये प्रतिशत आ सकता है 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार किलोमीटर है। तो जिसमें से वन क्षेत्र कितना है, 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरा देही अभ्यारण्य, जो सागर जिले में आता है, सागर जिले में है। इसका क्षेत्रफल 1194.67 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी याद रखना है। 1194.67 किलोमीटर स्क्वेयर है, याद रखना है, ये सागर जिले में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो नौरा देही है, जो सागर जिले में। इसके बाद बात करेंगे हम मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल। राला मंडल अभयारण्य जो इंदौर में है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, इसलिए सबसे छोटा है। ये 2.340 किलोमीटर स्क्वेयर है, तो इतना क्षेत्रफल है इसका, इसलिए सबसे छोटा है। आप कहेंगे कि इससे छोटे छोटे तो और नेशनल पार्क है, लेकिन उसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है। ये अभयारण्य है, सेंचुरी है, तो सबसे छोटी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार, तो राला मंडल जो इंदौर में है। तो ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस जिले में है, उनकी कोई विशेषता है तो क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ये सब याद रखना है आपको फ्रेंड्स। देखिए, सरदारपुर अभयारण्य एक धार में है, तो सरदारपुर अभयारण्य और सैलाना अभयारण्य रतलाम में है, जहां पे खरमोर पक्षी का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, एक तो सरदारपुर अभयारण्य धार में, दूसरा सैलाना अभयारण्य रतलाम में। मैप देखना आप, आपको धार जिला मिलेगा, उसी के ऊपर मिलेगा रतलाम जिला, तो दोनों पास पास में है ये अभयारण्य, इसलिए आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सरदारपुर अभयारण्य धार और सैलाना अभयारण्य रतलाम में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। एक करेरा अभयारण्य शिवपुरी में और एक घाटी गांव अभ्यारण है ग्वालियर में। इस अभ्यारण में लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसको भी आप मैप के अनुसार याद रखना है। जो शिवपुरी के ऊपर ही ग्वालियर है, तो करेरा अभ्यारण और घाटी गांव अभ्यारण पास पास में है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो करेरा अभ्यारण और घाटी गांव अभ्यारण में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये खरमोर पक्षी है और ये सोन चिड़िया है ना, तो ये दोनों का आपको याद रखना है किसमें किसका किया जाता है। बात करेंगे अब, एक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी के किनारे है, तो चंबल नदी के नाम पर ही रख दिया गया है उसका नाम, जो मुरैना में है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो मुरैना में है, एक केन अभयारण्य है, केन अभयारण्य, ये केन नदी के नाम पर रखा गया है, तो ये केन अभयारण्य छतरपुर में है। एक सोन अभयारण्य है, जो सोन नदी के नाम पर रखा गया है, तो देखो नदी नदी के नाम वाले हैं सब ये, तो ये किस जिले में है सबसे पहले, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना में है, केन अभयारण्य छतरपुर में है, और सोन अभयारण्य शहडोल और सीधी तरफ। तो फ्रेंड्स, ये शहडोल और सीधी में है, क्योंकि इधर ही साइड बहती है सोन नदी। तो ये अभयारण्य में घड़ियाल, एक जलीय जीव होता है घड़ियाल, जो मगरमच्छ की तरह ही होता है, तो घड़ियालों के संरक्षण किया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कहाँ किया जा रहा है, तो तीनों याद रखना, नदियों के नाम पे है और यहाँ पे घड़ियालों के संरक्षण किया जा रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये सब उनकी विशेषताएं हैं। बात करते हैं अब आगे। देखिए, अभयारण्य की सूची दी रखी है, इधर साइड क्षेत्रफल लिख रखा है और इधर साइड जिला लिख रखा है, तो अगर उनकी कोई विशेषता होगी तो मैं आपको बताऊंगा, जो परीक्षा के हिसाब से पूछी जाती है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किस जिले में है।
देखो खीवनी अभ्यारण्य, ये खीवनी अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल 134 वर्ग किलोमीटर है और ये देवास में है फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देवास में। तो याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को एक दो बार देखें और लिख के प्रैक्टिस करें या कोई भी तरीका हो, एक बार आपको याद हो जाएगा, फिर आप उसको आसानी से चार ऑप्शन को निग्लेक्ट करके बना सकते हैं। ट्रिक के हिसाब से भी पढ़ा जा सकता है इसे, लेकिन बिना ट्रिक आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, आपको जैसे भी सहूलियत जाए। तो खीवनी, इसको सीवनी मत समझना, है खीवनी है, खीवनी अभ्यारण्य जो है देवास में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है देवास, है ना, बिल्कुल याद रख लेना इसको आपको। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, अब कहेंगे नरसिंहगढ़ नाम क्यों है, तो पहले यहां पे एक नरसिंहगढ़ रियासत हुआ करती थी, रियासत, इसलिए याद रखना है उसी के नाम पे। नरसिंहगढ़ रियासत जो थी वो राजगढ़ जिले में थी, तो जो राजगढ़ जिला है भोपाल के पास, राजस्थान से लगा हुआ राजगढ़ जिला भोपाल के पास है, ये आप मैप देखेंगे तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, वहीं पे है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल छोटा है 57.190 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये राजगढ़ जिले में स्थित है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में है। ये राजगढ़ में ही एक और अभ्यारण्य मिल जाता है नरसिंहगढ़ के किनारे, जिसका नाम है चिड़ी खो अभ्यारण्य। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी राजगढ़ में है। चिड़ी खो अभ्यारण्य कहां पर है, राजगढ़ में। तो दो अभ्यारण्य मिलेंगे आपको राजगढ़ में, एक नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य और चिड़ी खो अभ्यारण्य। जो चिड़ी खो अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बताया चिड़ी खो अभ्यारण्य, इसकी एक विशेषता है, ये चिड़ी खो अभ्यारण्य को मालवा ए कश्मीर, मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। आप कहेंगे कि मालवा कश्मीर तो राजगढ़ के किले को कहा जाता है, तो किला भी वहीं पे है, इसलिए इसे चिड़ी खो अभ्यारण्य जो है इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, याद रखना है। गांधी सागर, नेक्स्ट फैक्ट है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो गांधी सागर अभ्यारण्य से आप परिचित होंगे, गांधी सागर बांध भी है, गांधी सागर अभ्यारण्य भी है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र भी है। तो ये गांधी सागर जो बांध बना हुआ है कहाँ पे, मंदसौर नीमच में, मंदसौर में बना हुआ है चंबल नदी पर, तो उसी के नाम पे एक अभ्यारण्य का नाम रख दिया गया गांधी सागर अभ्यारण्य। तो मंदसौर में ही है गांधी सागर अभ्यारण्य, जो उसका कुछ हिस्सा नीमच में भी आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी सागर बांध किस जिले में है, तो मंदसौर में है, जिसका क्षेत्रफल 368.620 वर्ग किलोमीटर है। तो जनरली क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता, जिले का नाम देगा आपको, जिले का ही नाम देके पूछा जाता है। तो याद रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, गांधी सागर बांध, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, सब तो मंदसौर में ही है, इसलिए गांधी सागर अभ्यारण्य भी कहां पर है, मंदसौर में। बोरी, बोरी नाम का एक अभ्यारण्य मिलेगा आपको, तो बोरी, इसको बोरी घाटी भी कहते हैं, घाटी, बोरी घाटी, घाटी है वहां पे करके। तो बोरी घाटी अभ्यारण्य या बोरी अभ्यारण्य, ये होशंगाबाद जिले में, जहाँ हिल स्टेशन पचमणी है वहीं पे है ये अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, जिसका क्षेत्रफल है 485.615 वर्ग किलोमीटर। तो बोरी अभ्यारण्य ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, व्यापम में बन जाते हैं, जो जनरली एग्जाम होती है स्टेट लेवल की, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, होशंगाबाद में, इसको भी याद रखना है आपको। पचमढ़ी भी ऑप्शन आ सकता है कभी बोरी की जगह, है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पचमढ़ी भी तो होशंगाबाद में ही है। बात करेंगे पचमढ़ी अभ्यारण्य की, तो पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। पचमढ़ी हिल स्टेशन आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहते हैं इसको, लेकिन एक और हिल स्टेशन है जो अमरकंटक, उसे भी हिल स्टेशन ही कहा गया है। तो ये याद रखना है, पचमढ़ी कहां पर है, होशंगाबाद में। डुबरी, देखो एक डुबरी नाम का अभ्यारण था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ में थे तो ये सीधी जिले में था, तो सीधी जिला के किनारे से ही छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इसका ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में चले गया। लेकिन जो डुबरी अभ्यारण था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहां पे, अभी भी है सीधी में, तो सीधी में है डुबरी अभ्यारण्य। डुबरी अभ्यारण्य का नाम बिल्कुल नया रख दिया गया है, जिसका नाम है संजय अभ्यारण्य। संजय गांधी मत समझना, संजय अभ्यारण्य है, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क तो मुंबई में है, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है, लेकिन संजय अभ्यारण्य है सिर्फ। तो संजय अभ्यारण्य कहां पर है, सीधी में, जिसका क्षेत्रफल है 364 वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रखना है। तो डुबरी अभ्यारण्य को बाद में जब नेशनल पार्क का दर्जा मिला तो संजय राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। अब देखो रातापानी, रातापानी अभ्यारण जो रायसेन जिले में है और सीहोर में है, लेकिन स्पेशली रायसेन में है, ये भोपाल के पास है रायसेन में। रातापानी अभ्यारण की विशेषताएं हैं कुछ कुछ,
ये एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें टाइगर होने की वजह से यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते रहता है। इसका क्षेत्रफल 825 वर्ग किलोमीटर है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ चलाया जा रहा है, एकमात्र अभ्यारण्य है, ऐसा याद रखें इसको सबको। रातापानी रा से रातापानी, रा से रायसेन, ऐसा याद रख के याद रख सकते हैं। बात करेंगे सिधोरी अभ्यारण्य की। सिधोरी नाम का एक अभ्यारण्य है जो रायसेन में ही है, इसका मतलब रायसेन में दो अभ्यारण्य हो गए। 291 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है। तो सिधोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में। सा से सिधोरी और सा से रायसेन नहीं बनता, लेकिन याद रखना पड़ेगा। बात करेंगे अब नवरादेही। नवरादेही के बारे में पढ़े थे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, 1194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये कहाँ पर है? ये सागर में है स्पेशली ज्यादा, लेकिन सागर के आजू बाजू दमोह भी पड़ता है और नरसिंहपुर भी पड़ता है, तो ये जिले में भी इसके कुछ कुछ हिस्से गए हैं। लेकिन कभी पूछा जाएगा आपको नरसिंहपुर नवरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सागर टिक करना है, सागर में है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसलिए इसको सबसे बड़ा है, इसकी विशेषता है, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाते रहता है। एक पेंच नाम का नेशनल पार्क आपने सुना होगा, तो वहीं पर पेंच में ही एक अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है पेंच अभ्यारण्य। देखो फ्रेंड्स, जो अभ्यारण होता है उसे ही बाद में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है या मिलता है, तो अभ्यारण पहले ही अभ्यारण होता है, वो एक अभ्यारण के रूप में बना दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो अभ्यारण होते हैं, आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था, जो प्रशासनिक आधार पर उन्हें बांटा जाता है, जंगलों को, फॉरेस्ट को प्रशासनिक आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि अभ्यारण जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसे अभ्यारण कहते हैं। अभ्यारण के अंतर्गत उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत जो संरक्षित वन होते हैं, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, उसके अंतर्गत अभ्यारण आते हैं। और जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं आरक्षित, उसके अंतर्गत नेशनल पार्क आते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो पेंच अभ्यारण्य इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोगली जो किरदार था उसका, उसको यहीं पे निभाया गया था, यहीं पे लिखी गई थी। ये सिवनी में है स्पेशल। देखो सिवनी में भी है, छिंदवाड़ा में भी है, लेकिन आपको नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो आप क्या लगा सकते हैं? सिवनी। और कभी आपको पेंच अभ्यारण्य पूछा और छिंदवाड़ा ऑप्शन देगा तो छिंदवाड़ा सही हो जाएगा, काहे कि ये दोनों जगह है। तो पेंच अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 118 वर्ग किलोमीटर है। ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, तो याद रखना पड़ेगा, याद रखने से होता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, अभी बात किए थे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की। चंबल नदी के किनारे हम मुरैना जिले में, 435 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है। और यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण भी किया जा रहा है, ये सब बताया था मैंने आपको। उसके बाद करेंगे सोन अभ्यारण्य की। सोन नदी के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे भी देखो घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। ये सा से सोन, सा से सीधी, सहडोल, सतना, ऐसा याद रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो अभ्यारण्य है सीधी और सहडोल में है, काहे कि सीधी सहडोल से सोन नदी बही है, तो आप याद रख सकते हैं ऐसा भी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 83.684 वर्ग किलोमीटर मिलता है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। कूनो पालपुर नाम का एक अभ्यारण्य जिसे मध्य प्रदेश का वर्तमान में 12वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 2018 में। यहाँ पे जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क था, यहीं पे एशियाटिक बब्बर शेर बसाए जाने की योजना प्रस्तावित है, ये याद रखना है। तो कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो है ये श्योपुर जिले में है। श्योपुर मुरैना चंबल संभाग के अंतर्गत आता है ये जिला, चंबल नदी के किनारे है श्योपुर, जिसका क्षेत्रफल मिलता है 344 वर्ग किलोमीटर। तो डायरेक्ट याद रखना, मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क का दर्जा मिला है इसे ही। कूनो पालपुर पहले अभ्यारण था, तो अभ्यारण कहां पर है? श्योपुर में। एक और क्वेश्चन याद आ रहा है जो अभी अमन पढ़े थे, नवरादेही। ये नवरादेही अभ्यारण जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री है एक नामीबिया, नामीबिया देश से चीता लाया गया है, चीता कहाँ पे? नवरादेही अभ्यारण में। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। नामीबिया देश से चीता, नवरादेही अभ्यारण सागर में लाया गया है। बात करेंगे आगे, करेरा अभ्यारण्य, करेरा, यहाँ पे सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ये शिवपुरी में, करेरा अभ्यारण्य। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 202 मात्र वर्ग किलोमीटर, तो इसको याद रखना पड़ेगा। करेरा अभ्यारण कहाँ पर है? सा से शिवपुरी। घाटीगांव अभ्यारण तो आते ही रहता है व्यापम में, ये गलत छपा है यहाँ पे, ग्वालियर में। घाटीगांव अभ्यारण कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में पड़ता है, तो ग्वालियर में घाटीगांव अभ्यारण। 510 इसका वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, तो याद हो जाएगा। घाटीगांव अभ्यारण कहाँ पर है?
देखो वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी आसानी जा सकती है आपको पढ़ने में, या आपका माइंड में रिविजन हो सकता है कि सही है कि नहीं। तो घाटीगांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ग्वालियर में है, शिवपुरी में नहीं है, ग्वालियर में। बगदरा, बगदरा अभ्यारण नाम का एक अभ्यारण है जो सीधी जिले में, तो ऐसे अभ्यारण भी याद रखने में दिक्कत जाती है। अभ्यारण्य जितने मैं बता रहा हूँ पूरे इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ना नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बगदरा अभ्यारण कहाँ पर है? सीधी, सीधी में, सीधी जिला, बगदरा अभ्यारण सीधी। इसकी विशेषता है कि कोई नहीं, बात करेंगे आगे। ये बगदरा अभ्यारण की विशेषता नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर है? सीधी सिंगरौली तरफ है, तो सीधी याद रख सकते हैं। मंडला में एक अभ्यारण है फेन, फेन नाम का, फेन, तो फेन नाम का एक अभ्यारण मंडला में भी है। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क है, मंडला में फेन अभ्यारण है, मंडला के पास डिंडोरी है, वहाँ पे फाजिल नेशनल पार्क है, तो ये सब याद रखना है। 1010 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिलता है। तो ये फेन कभी आता है तो गड़बड़ कर देते हैं अपन, इसलिए इसको याद रखना है, मंडला में है ये। पनपथा, पनपथा, कई जगह पनपथा लिखा हुआ है, कई जगह पनपथा लिखा हुआ है, तो ये उमरिया जिले में पड़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट अभ्यारण है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अपने को, इसलिए याद रखना है आपको। पनपथा, पनपथा या पनपथा अभ्यारण कहाँ पर है? 245 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, उमरिया जिले में। तो जो नाम याद नहीं होते, देखो जो याद हो गए हैं उसको तो छोड़ ही दो, वो याद हर समय रहेंगे, जो याद नहीं होते उसको याद करने की कोशिश करो, जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पनपथा अभ्यारण उमरिया में है। सरदारपुर अभ्यारण है धार में, जहाँ खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। इसका क्षेत्रफल 348 वर्ग किलोमीटर है, ये धार में, तो ये याद हो जाएगा, सरदारपुर अभ्यारण धार, सरदार रा से धार, ऐसा उठाएं कोई भी याद रख सकते हैं आप। सैलाना अभ्यारण जो है रतलाम में है, ये यहाँ पे खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, 12.965 वर्ग किलोमीटर है, जो रतलाम जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे है सैलाना अभ्यारण रतलाम। गंगऊ नाम का एक अभ्यारण मिल जाता है जो पन्ना जिले में, पन्ना, पन्ना में केन अभ्यारण भी था, पन्ना में गंगऊ अभ्यारण भी है, तो गंगऊ अभ्यारण कहाँ पर है, जिसका क्षेत्रफल 78.536 वर्ग किलोमीटर मिलता है, तो ये जो गंगऊ अभ्यारण है ये पन्ना में, तो पन्ना में दो तीन अभ्यारण हो गए, है ना, तो आपको याद रखना है। एक नेशनल पार्क भी है, केन अभ्यारण भी है छतरपुर तरफ, और ये गंगऊ अभ्यारण भी है, तो पन्ना छतरपुर पास पास में है। राला मंडल अभ्यारण जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 2.345 वर्ग किलोमीटर मिलता है, ये इंदौर में है, तो इंदौर में है, तो अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आपने देखा होगा, मैं तो बालाघाट जिले में रहता हूँ, तो बात करेंगे यहाँ की, तो राला मंडल जो कहाँ है, कहाँ का है, इंदौर का। ओरछा अभ्यारण, देखो ओरछा, ओरछा बसा हुआ है किसके किनारे, बेतवा नदी के किनारे, तो ओरछा नाम का एक अभ्यारण भी बनाया गया है, और ओरछा एक तीर्थस्थल भी है, तीर्थस्थल भी है, तो बेतवा नदी के किनारे चाहिए भी, तो ये वर्तमान में निवाड़ी जिले में चले गया ये अभ्यारण, तो ये अभ्यारण भी है वहाँ पे एक, तो ओरछा के रिलेटेड आपको कई सारी चीजें मिलेगी वहाँ पे, तो ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी जिले में, और टीकमगढ़, जैसा ऑप्शन आएगा वैसा टिक लगाना है, लेकिन वर्तमान में ओरछा जो है निवाड़ी जिले में चले गया, जिसका क्षेत्रफल 44.914 वर्ग किलोमीटर मिलता है, तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रानी दुर्गावती के नाम पे एक अभ्यारण का नाम रखा गया, जिसका नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण। तो रानी दुर्गावती अभ्यारण जैसे ही आएगा तो आपको जबलपुर क्लिक करेगा माइंड में, लेकिन ये जबलपुर के किनारे जो ऊपर साइड में जिला है दमोह, मैप देखना आप, तो वहां मिलेगा, जिसका क्षेत्रफल 23.973 वर्ग किलोमीटर है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे ही रानी दुर्गावती की बात आएगी तो हमारे दिमाग में जबलपुर क्लिक करेगा, और जबलपुर ऑप्शन नहीं देगा तो दमोह लगाना है, जबलपुर के ऊपर ही मैप देखना आप, वहाँ पे दमोह है, तो ये याद रख सकते हैं इसको। कालीभीत नाम का एक अभ्यारण जो वर्तमान में प्रस्तावित है, ये बैतूल जिले में है। कालीभीत की पहाड़ी सुने होंगे आपने, ये भी बैतूल में थी, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कालीभीत की पहाड़ी भी बैतूल में है, और कालीभीत अभ्यारण जो है ये भी बैतूल में है। सुरमेनिया अभ्यारण ये प्रस्तावित है, ये खंडवा में है, खंडवा में ओमकालेश्वर नेशनल पार्क है, और ये भी है एक अभ्यारण भी है जो प्रस्तावित है, जिसका नाम है सुरमेनिया अभ्यारण, तो इसको याद रखना पड़ेगा, 178 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मात्र। मानदाता, मानदाता अभ्यारण, मानदाता नगरी सुने होंगे आपने, खंडवा के किनारे थी प्राचीन काल में, मानदाता नगरी को किसने बसाया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपको हिस्ट्री में बता दिया हूँ, तो ये बात करेंगे मानदाता, मानदाता जो प्रस्तावित है ये खंडवा जिले में है, जिसका क्षेत्रफल 69.24 है मात्र, तो इसको याद रखना है। ये खंडवा बहुत प्राचीन नगरी रही थी ये पहले इतिहास में, मानदाता नगरी जो खंडवा में थी नर्मदा नदी के किनारे,
लेकिन बात हो रही है यहां अभ्यारण की। तो मानदाता के नाम पे एक अभ्यारण का नाम रख दिया गया जिसका नाम था मानदाता अभ्यारण, जो खंडवा में है। काटीवाड़ा, काटीवाड़ा अभ्यारण ये अलीराजपुर में है। काटीवाड़ा अभ्यारण कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। ये आमों के लिए प्रसिद्ध है, अमराई बहुत है वहाँ पे, आम के पेड़ वेड़ ये वो, और नूर जहाँ प्रजाति का आम भी मिलता है वहाँ पे, वहाँ पे एक अभ्यारण भी है जिसका नाम है क्या, काटीवाड़ा, काटीवाड़ा या काटीवाड़, काटीवाड़ा ही लिखा है, ये भी प्रस्तावित है। ये कहाँ पर है? अलीराजपुर में। 90 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है मात्र, तो इसको याद रखना है अलीराजपुर में। एक मयूर नाम का अभ्यारण है जो झाबुआ में है, मयूर अभ्यारण, ये भी प्रस्तावित है। मयूर नाम एक नंबर है, मयूर यानी मोर होता है, तो मयूर अभ्यारण कहां पर है? ये झाबुआ में है। देखो एक अभ्यारण बना दिया गया गौ अभ्यारण, गायों का अभ्यारण है ये, जिसका नाम क्या रखा गया, कामधेनु गौ अभ्यारण। ये मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण था, गायों का अभ्यारण था, जो आगर मालवा जिला था मध्य प्रदेश का, 51वां जिला, वहां स्थापित किया गया था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी तारीख, तारीख तो नहीं है बता रहा हूं अभी मैं आपको, 472.63 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हेक्टेयर में है। देखिए हेक्टेयर में है। क्या नाम है इसका? कामधेनु गौ अभ्यारण। गौ अभ्यारण कहां पर है? गौ अभ्यारण वैसे तो मध्य प्रदेश में दो है, एक और का नाम बताता हूं मैं, एक और अभ्यारण है गौ अभ्यारण जिसका नाम है बसा मन मामा गौ अभ्यारण, अभ्यारण है, अभ्यारण। ये कहां पर है फ्रेंड्स? ये है सिरमौर तहसील, सिरमौर तहसील रीवा, रीवा की सिरमौर तहसील में है एक अभ्यारण जिसका नाम है क्या, जिसका नाम क्या है, बसामन मामा गौ अभ्यारण, सिरमौर तहसील रीवा। एक बसामन मामा नाम का मंदिर भी है रीवा में, सिरमौर में। तो गौ अभ्यारण दो है मध्य प्रदेश में, एक का नाम क्या है, कामधेनु गौ अभ्यारण कहां पर है, आगर मालवा में, और बसामन मामा गौ अभ्यारण सिरमौर तहसील रीवा। बात करेंगे केन अभ्यारण की, केन नदी के नाम पर रखा गया है, यह है छतरपुर पन्ना में, स्पेशली छतरपुर में है ये, और यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, तो याद रखना है घड़ियाल जो एक जली जीव होता है उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो ऐसी क्वेश्चन बनते हैं। तो केन अभ्यारण का जो क्षेत्रफल है वो 45.201 किलोमीटर मिलता है। तो जिले का नाम देके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उनकी अगर कोई विशेषता है तो क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सब ये याद रखना है। इसके अलावा भी मैं कुछ छूटे हैं क्या देख लेता हूँ जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आप अमरकंटक को जानते होंगे, अचानक अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य अमरकंटक में, तो ये तो अभ्यारण्य से इतने क्वेश्चन थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, जो हो सके तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जो भी काम की परीक्षा के हिसाब से बताने की कोशिश किया हूँ, सब परीक्षा के हिसाब से ही बताया जाता है। इसके पहले नेशनल पार्क वाला टॉपिक डिस्कस किए, और इसके बाद मध्य प्रदेश की नदी डिस्कस करेंगे, MPPSC की यूनिट 3 प्री के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, और बेल आइकन जो दिया हुआ है उसको दबा देना है जाके, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।